तो रोमर रेज ने रिसेंट के इंटरव्यू में ये खुद बातें टीज करके उनका मैच होने वाला है रसलमैनिया 39 में। पॉडकास्ट में उनको क्वेश्चन गया था क्या जिसमें में हमने देखा कि यंग रॉक का जो सीन काफ़ी वायरल हुआ था तब जब यंग रॉक कहते हैं कि इट्स नॉट प्लेस इन द किचन, इट्स ओनली हैपन रसलमैनिया द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल। उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं रोमर रेज, वो कहते हैं कि देखो द रॉक खुद टीज कर रहा है तो मैं इसे क्यों डिनाई करूंगा, हमारा मैच नहीं होने वाला। ऑफकोर्स ये मैच रसलमैनिया 39 का हेडलाइन करने वाला सबसे ग्रैंडेस्ट ग्रेटेस्ट मैच होगा, लेकिन अभी के लिए द रॉक का जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक चल रहा है। मेरा कोई शेड्यूल अभी के लिए हेक्टिक चल रहा है, इसलिए ये मैच जरूर होगा पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी के लिए, ऐसा कुछ रोमर रेंज का रिप्लाई देते। लेकिन हमें अब पॉसिबल रीज़न मिल चुका है कि रोमर रेंज उस द रॉक के ऑफिशियली होने वाला है रेसलमैनिया 39 में। अब बात करते हैं अपने विंस मैकमैन रिसेंट में अपने बर्थडे के बाद स्पॉटेड किए गए अपने गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो द जॉन सीना, ब्रॉक लेस्नर, पैट मैकाफे और जो 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 लेजेंडरी डब्ल्यूए के सुपरस्टार है वो सब अपने विंस मैकमैन के बर्थडे पार्टी में आए थे। और इसमें विंस मैकमैन के साथ एक वुमन या फिर लेडी को भी हमें देखते हुए मिलते हैं कि वहाँ पर विंस मैकमैन अपना चेहरा छुपाते हुए जिस तरह से उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुके हैं वे अपना मुँह ही छुपाएंगे। लेकिन मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि पेड़ कितना भी बूढ़ा हो जाए डाली हमेशा ताज़ी रहती है। विंस मैकमैन से ये हमें एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा लगा मुझे अभी के लिए। अब बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। नए कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमर रेज नहीं आने वाले, बैक स्टेज जरूर होंगे पर रोमर रेज इस स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आएंगे, वो सीधा टेपिंग करने आएंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, क्योंकि जल्दी ही डब्ल्यू जाने वाली है क्लैश ऑफ द क्लैंस के एक हफ्ता पहले जाने वाली है, इसलिए नेक्स्ट स्मैकडाउन टेपिंग होने वाला है और इस स्मैकडाउन के बाद इसकी टेपिंग शुरू हो जाएगी। क्लिप से ज़रा दूर रहना क्योंकि नेक्स्ट स्मैकडाउन का स्पॉइलर हमें शायद देखने को मिलेगा कल।